इतने 1000 सब्सक्राइबर चाहिए लेकिन 4000 है, 4000 घंटे वाच टाइम चाहिए लेकिन 16000 है। टू स्टेप वेरिफिकेशन ना, अभी तक चैनल पर कोई स्ट्राइक ना, कमेंट की गाइडलाइंस ना, कोई क्लेम कुछ नहीं आया, फिर भी चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ। नमस्कार दोस्तों, जो लोग यूट्यूबर बनना चाहते हैं और यूट्यूब से पैसा कमाना चाहते हैं उनमें 99% लोग थोड़ी सी मेहनत करने के बाद जब व्यूज नहीं आते, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते तो वो लोग क्लिक वेट करना चालू कर देते हैं, किसी पॉपुलर चैनल के वीडियो अपने चैनल पर डालना शुरू कर देते हैं, उससे उनके थोड़े व्यूज भी इंक्रीज होते हैं और सब्सक्राइबर भी इंक्रीज होते हैं, लेकिन ऐसा करने से कभी भी चैनल मोनेटाइज नहीं होता, 99.99% चैनल मोनेटाइज नहीं होते। एक्चुअली मैं इसलिए बोला हूँ कि ऐसा मैंने किया है और मैंने दो बार मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करने के बाद भी हमारा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ। चलिए हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलकर बताते हैं कि देखिए ये हमारा चैनल है, इतने सब्सक्राइबर है, इतना वाच टाइम है, फिर भी दो बार चैनल मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर चुके हैं लेकिन रीयूज कंटेंट की वजह से मोनेटाइज नहीं हुआ। चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और हम आपको बताते हैं कि देखिए ये है हमारा चैनल यूट्यूब स्टूडियो। यूट्यूब स्टूडियो में जाके देखिए ये हमारा चैनल, हम सबसे पहले आपको दिखाते हैं मोनेटाइजेशन सेक्शन में जाके। देखिए अनफॉर्चुनेटली योर चैनल वाज नॉट अप्रूव्ड फॉर मोनेटाइजेशन, यानी दुर्भाग्य से आपके चैनल को मुद्रीकरण के लिए स्वीकृत नहीं किया गया। देखिए योर चैनल वाज नॉट एक्सेप्टेड फॉर मोनेटाइजेशन, आपका चैनल मुद्रीकरण के लिए स्वीकार नहीं किया गया। आफ्टर रिव्यूइंग योर एप्लीकेशन वी फाउंड दैट योर चैनल डज नॉट फॉलो, आपके आवेदन की समीक्षा करने के बाद हमने पाया कि आपका चैनल अनुसरण नहीं करता। नीचे देखिए रिव्यू व्हाट शुड यू नेक्स्ट, आगे आपको क्या करना चाहिए। अब यूट्यूब बुलाया कि अब हमने तो रिजेक्ट कर दिया, अब आपको आगे क्या करना चाहिए। योर रिव्यूज फाउंड दैट योर चैनल कॉन्टेंट द फॉलोइंग, यानी हमारी प्रतिक्रिया की समीक्षा करें। देखिए रिव्यूज कॉन्टेंट, चैनल यूज समवन एल्स कॉन्टेंट विदाउट मेकिंग चेंज दैट एड सिग्निफिकेंट वैल्यू, यानी चैनल महत्वपूर्ण मूल्य को जोड़े, जो चैनल महत्वपूर्ण मूल्य जोड़ने वाले परिवर्तन किए बिना किसी और की सामग्री का उपयोग करता, यानी जो लोग किसी दूसरे का कंटेंट यूज करते हैं उसमें 70% तक यदि उसमें चेंजेस कर देते हैं जैसे वॉइस ओवर, फोटो और अदर वीडियो क्लिप लगा के, तो हो सकता है उनका चैनल मोनेटाइज हो जाए। लेकिन जो एज अ टेज वीडियो किसी पॉपुलर चैनल से लिया, अपने चैनल पर अपलोड कर दिया या हल्का फुल्का चेंजेस करके और अपलोड कर दिया, तो उनका चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ। मैं भी दो बार ये चैनल कर चुका हूं अप्लाई मोनेटाइजेशन के लिए, फिर भी ये अप्लाई नहीं हुआ। दूसरा पॉइंट नंबर दूसरा है अपील फॉर रिप्लाई फॉर मोनेटाइजेशन, यानी मुद्रीकरण के लिए अपील करें या फिर से आवेदन करें। देखिए वो कैसे अपील बाय सेंडिंग ए वीडियो भेजकर अपील करें। इफ यू थिंक वी मेड ए मिस्टेक सेंड ए वीडियो टेलिंग अस व्हाई वेल वीडियो योर अपील नेक्स्ट गेट बैक टू यू विद ए डिसीजन विद इन 14 डेज, ओनली चूज दिस ऑप्शन इफ यू हैवंट डिलीटेड एनी वीडियो सिंस योर चैनल्स एप्लीकेशन वाज रिजेक्टेड। कहने का मतलब है अगर आपको लगता है कि हमसे कोई गलती हुई है तो हमें एक वीडियो भेजकर बताएं कि ऐसा क्यों है, हम आपकी अपील की समीक्षा करेंगे और 14 दिनों के भीतर निर्णय के साथ आपसे संपर्क करेंगे। इस विकल्प को केवल तभी चुने जब आपने अपने चैनल के आवेदन को अस्वीकार किए जाने के बाद से कोई वीडियो नहीं हटाया है।
स्टार्ट अपील, यानी इस पर क्लिक करके आप अपील वीडियो बना सकते हैं, मस्ट सबमिट बाय जनवरी 19, 2022, यानी कि 19 जनवरी 2022 तक जमा करना होगा, 19 जनवरी से पहले हमें ये अपील वीडियो जमा करना होगा। और हाँ, ये अपील वीडियो तभी हम सेंड कर सकते हैं या उनको भेज सकते हैं जब हमारा चैनल अस्वीकार होने के बाद हमने एक भी वीडियो डिलीट नहीं किया हो। अब सेकेंड ऑप्शन, एडिट योर चैनल एंड री अप्लाई, आपका चैनल संपादित, अपना चैनल संपादित करें और फिर से आवेदन करें। देखिए, रिव्यू आवर फीडबैक देन मेक चेंज टू योर चैनल, चेंज कैन इंक्लूड एडिटिंग और डिलीटिंग वीडियोज एंड अपडेटिंग वीडियोज डिटेल, यू कैन रीअप्लाई स्टार्टिंग जनवरी 28, 2022, as long as your channel meets the following requirements, यानी हमारे फीडबैक की समीक्षा करें फिर अपने चैनल में बदलाव करें, बदलाव में परिवर्तनों में वीडियो संपादित करना या हटाना, वीडियो विवरण अपडेट करना शामिल हो सकते हैं। आप 28 जनवरी 2022 से फिर से आवेदन कर सकते हैं बशर्ते आपका चैनल नीचे दी गई शर्तों को पूरा करता हो। इनके कहने का मतलब है कि आप अपने चैनल को एडिट करें, एडिट मतलब जिस वीडियो पे आपको शक है कि ये रीयूज कंटेंट है, या जितने भी वीडियो आपने रीयूज किसी का यूज किया है उनको डिलीट कर दें। हो सकता है आपने टाइटल या डिस्क्रिप्शन में किसी पॉपुलर चैनल के नाम वगैरह यूज किए उन्हें हटाएं, 15 से ज्यादा हैशटैग यदि आपने यूज किए हैं तो उन्हें भी हटाएं। इनकी कहने का मतलब है आप जो वीडियो डिलीट करोगे उनका जो वॉच टाइम होता है वो कम हो जाता है, तो उनका वॉच टाइम कम होने के बाद और यदि कुछ आपके सब्सक्राइबर माइनस होते हैं तो माइनस होने के बाद ये रिक्वायरमेंट पूरी करनी होगी। सपोज करो देखो हमारे 4190 सब्सक्राइबर हैं, 1000 रिक्वायर होते हैं, 1000 चाहिए लेकिन हमारे 4190 हैं, वॉच टाइम 4000 रिक्वायर, यानी 4000 घंटे का पब्लिक वॉच टाइम चाहिए जो 16252 है, 2-step वेरिफिकेशन चाहिए जो हमारा एक्टिव है, 0 एक्टिव कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक, हमारे चैनल पर एक भी ना कॉपीराइट है ना क्लेम है, लेकिन मैंने इस चैनल में रीयूज कंटेंट किया था, यानी किसी और का चैन वो जो कंटेंट है वो हमने यूज किया था, इसलिए मैं दो बार, इतने 1000 सब्सक्राइबर चाहिए लेकिन 4000 है, 4000 घंटे वॉच टाइम चाहिए लेकिन 16000 है, 2-step वेरिफिकेशन, ना अभी तक चैनल पर कोई स्ट्राइक ना कम्युनिटी गाइडलाइंस ना कोई क्लेम कुछ नहीं आया, फिर भी चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ, और इसको भी एक बार मैंने कुछ 50 वीडियो डिलीट कर दिए थे, द्वारा भेजा था, थंबनेल चेंज कर दिए थे, टाइटल डिस्क्रिप्शन चेंज कर दिए थे, द्वारा भेजा था, फिर भी हमारा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ। तो प्लीज कृपया इतना ध्यान रखें, जो भी यदि आप यूट्यूब से पैसा कमाना चाहते हैं, यूट्यूबर बनना चाहते हैं, तो किसी दूसरे का कॉन्टेंट यूज ना करें, धैर्य रखें, क्योंकि चैनल धीरे धीरे ग्रो होता है ना कि एकाएक। यदि आप एक माह कंटिन्यू वीडियो अपलोड करोगे तो 100% आपका चैनल ग्रो होगा। ठीक, देखिए जो वीडियो मैं इसी चैनल पर, जिस चैनल पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस पर मैं किसी का कंटेंट यूज नहीं कर रहा हूं, मैं अपना खुद का कंटेंट बना के आपको देता हूं, उस पर मैंने किया था जो मुझे एक बहुत बड़ी सीख लगी हुई है। तो चलिए दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, ताकि और जिनका सपना है यूट्यूब से पैसा कमाना, यूट्यूबर बनना, वो ऐसा ना करें क्योंकि इसमें कभी भी सक्सेस नहीं है। देखिए ये लिखा है, अनफॉर्चुनेटली योर चैनल वाज नॉट अप्रूव फॉर मोनेटाइजेशन, दुर्भाग्य से आपका चैनल मुद्रीकरण के लिए स्वीकृत नहीं किया गया, दो बार भेजने के बाद भी। अब मैं इसका जो रीयूज कंटेंट है उसे हटाऊंगा और नेक्स्ट 28 जनवरी को द्वारा भी अप्लाई करूंगा। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ, आपको जो भी प्रॉब्लम हो, मुझे काफी एक्सपीरियंस हो चुका है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी कोई भी कंप्लेंट हो तो लिखें, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।